कल का जो वाक्य हुआ उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें, वो जो ऑस्ट्रेलिया ने हरकत की है कि बॉल टेम्परिंग की। नाजन आपको भी बताते चलें कि जो सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, एक एक से ये सीरीज़ बराबर है। अब ये तीसरा जो मैच है वो चल रहा है, लेकिन जो बड़ी हीटेड ये सीरीज़ चल रही है, क्योंकि पहले जो मैच था उसमें डेविड वार्नर और डी कॉक जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, उनमें आपस में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, लड़ाई तक नौबत हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। फिर दूसरे मैच में रबाडा की जो एपिसोड थी, स्टीवन स्मिथ को जो शोल्डर मारा, पहले पाबंदी लगी फिर पाबंदी हट गई। अब जो तीसरा मैच है उसमें ये कंट्रोवर्सी आई है, सैंड पेपर गेट इसको टाइटल दिया जा रहा है, क्योंकि बेन क्रॉफ्ट जो खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपनी जेब से सैंड पेपर निकाल के बॉल को रगड़ने की कोशिश की, उसकी शेप चेंज करने की कोशिश की, और बॉल टेम्पटिंग ये सारी एपिसोड जो है वो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली, और बाद में फिर एडमिट भी किया स्टीवन स्मिथ ने और बेन क्रॉफ्ट ने, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने एडमिट किया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पर एक्शन लिया है, उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप ये जो स्मिथ है इसको हटाएं कप्तानी से। अब ये मैच तो चल रहा है, चौथे दिन का मैच प्ले खेला जा रहा है, तीसरे मैच का, लेकिन अब स्टीवन स्मिथ और जो डेविड वार्नर वाइस कैप्टन है, वो कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये दोनों इनको हटा दिया गया, और टिम पेन जो कि उनके विकेट कीपर हैं वो कप्तानी के जो फ्राइज हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो काफ़ी जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, काफ़ी बैशिंग चल रही है ऑस्ट्रेलिया की और इस चीटिंग पे हवाले से। तो शाम साहब मैं कुछ जो प्लेयर्स हैं उनका भी बताऊंगा, माइकल होल्डिंग, नासिर हुसैन, माइकल क्लार्क, सब ने कंडेम किया है। तो आपने भी ऑब्वियसली, हम जो ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये किन ऑब्वियसली स्लेजिंग वगैरह में तो पहले भी सबसे आगे आगे ही होते हैं, अब इन हरकतों में भी ये सिलसिला चल निकला। देखें, बॉल टेम्परिंग का इशू अगर किसी पाकिस्तानी बॉलर ने या फील्डर ने किया होता तो पूरा आसमान जो है इन सब ने उठाया होता। बेन क्रॉफ्ट जो है उसने रेखमाल आप कह लें या सैंड पेपर कह लें, उसने अपनी जेब से निकाला और गेंद की जो एक साइड थी उसको, जो शाइन थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की ताकि गेंद जो है वो रिवर्स स्विंग हो। तो मैं समझता हूँ कैमरे की आंख ने सब कुछ देखा, सब कुछ महफूज कर लिया और उन्होंने एडमिट भी नहीं की, एडमिट भी किया। अब उनके पास इसके अलावा रिजवान चारा भी नहीं था कि वो एडमिट ना करें, क्योंकि सारे सबूत जो थे वो सामने आ गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक एक्शन लिया कि इनको कप्तानी से, वाइस कप्तानी से इनको हटाया जाए, फारिग किया जाए। अब देखना यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या एक्शन लेता है, आईसीसी इसके बारे में क्या एक्शन लेती है, क्योंकि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया की बहुत इंपॉर्टेंस है, बड़ी अहमियत है ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इंडिया की, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। तो मैं ये समझता हूँ अब देखना यह है कि जो जो आईसीसी है वो इसके बारे में क्या एक्शन लेती है, लेकिन बहुत सीवियर एक्शन लेने की जरूरत है, बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ख्वाब वो स्टीवन स्मिथ है, ख्वाब वो वार्नर है, बैंकक्रॉफ्ट है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बैंकक्रॉफ्ट ने अपनी मर्जी से तो ये काम नहीं किया, वो तो बिल्कुल नया भी नवारिद आया टीम में, वो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता। ये डिबेट चल रही है कि अब ऑब्वियसली उसका सातवां आठवां टेस्ट मैच है तो वो खुद से तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, जबकि कप्तान को, कोच को, पूरी जो उनकी इंतजामिया साथ है, एग्जैक्टली यू आर राइट, मर्जी के बगैर तो ऐसी हरकत नहीं हो सकती। देखिए ना, कोई भी क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके सर पर कोई ना कोई तो बैठा होता है, तब वो क्राइम करता है ना। Exactly. बगैर किसी के सरपरस्ती के वो क्राइम कर ही नहीं सकता ना, उसकी ऐसी बात होती। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में आईसीसी को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और पूरी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उनको आवाज उठानी चाहिए कि स्टीवन स्मिथ जो है उसके बारे में, वार्नर के बारे में, बैंकक्रॉफ्ट के बारे में, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनको कप्तानी से फारिग करें, उसको नायब कप्तानी से फारिग करें, अब पेन जो है वो कप्तानी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक किया। माइकल होल्डिंग उसने इस पर तबसरा करते हुए बोला कि जो ओवल में इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच था उसमें तो एविडेंस था ही नहीं बिल्कुल, जो अंपायर ने बोला कि गेंद की जो शेप है वो उसको चेंज नजर आई तो उसका तो इससे कंपैरिजन वो करें थे कुछ बनता ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है और बिल्कुल ओपन है, एविडेंस सबके सामने है। यू आर राइट, उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ओवल में जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं वहां पर खुद मौजूद था ओवल ग्राउंड में, जब इंजमामुल हक टीम लेकर ग्राउंड में वापस नहीं आए थे और पांच पेनल्टी के रन्स जो थे वो दिए गए थे कि बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान के बॉलर्स ने गालबन की है, जिस पर इंजमाम जो थे वो नाराज हो गए थे, वो टीम लेकर नहीं आए थे और क्रिकेट की हिस्ट्री में वो पहला टेस्ट मैच था जो फॉरफिट हुआ था, लेकिन उसमें कोई एविडेंस नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि ये गेंद यहां से जो है इसको शाइन इसकी हटाई गई है, ये रेखमाल यूज हुआ है, ये सैंड यूज हुई है, या ये जो जो बॉलर्स की स्पाइक्स होते हैं वो यूज हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट है
कि सैंड पेपर यूज हुआ है जिसको रेकमाल कहा जाता है वो यूज हुआ है, कैमरे की आंख ने सब कुछ देख लिया, सारे एविडेंसेस सारे सबूत जो है वो जा रहे हैं। तो इसमें तो स्टीवन स्मिथ भी मुलविस होगा, इसमें उनका जो कोच है वो भी होगा, वार्नर भी होगा, मालूम है इसमें कौन कौन से लोग होंगे। एक मैच की खैर पाबंदी लग गई है स्टीवन स्मिथ पे और डीमेरिट पॉइंट बैनक्रॉफ्ट को जो आईसीसी की जानिब से, लेकिन बहरहाल बड़ा रिग्रेटफुल इवेंट था और ये इंसिडेंट था। लेकिन ये पाबंदी बड़ी कम है, मजीद शायद इस पे वो होगी। नासिर हुसैन ने बहरहाल ठीक बोला कि ये जो स्लेजिंग वगैरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स करते हैं और जब इनके साथ अभी ऐसे ही हो रहा है साउथ अफ्रीका की उस सीरीज में, शायकीन भी जो वहाँ पे देखने आते हैं वो भी ज़रा इस तरह के जुमले कस रहे हैं, तो वो कह रहे हैं दे आर हैविंग टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। सिर्फ इंडिया को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं बाकी सबको इसी तरह ही ट्रीट करते हैं क्योंकि वहाँ आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट शायद मिलने होते हैं। लेकिन बहरहाल अब वापस आते हैं जो आज का जो हमारा अपना जो मेला सजा हुआ है पीएसएल का मेला, और कराची में ये फाइनल खेला जा रहा है। काफ़ी